और ना मैं गरीबी में नहीं जी सकती एक रिक्शे वाले की बीवी बनकर, समझे? और तुम्हारा बाप तो रिक्शा चलाते चलाते एक दिन, अरे यार बहुत दिन बाद देखी यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइम वाइम नहीं मिलता आने वाने का। तेरे कौन से बिजनेस चल रहे हैं? अरे तू सारी बात छोड़, तूने कोई नया बॉयफ्रेंड बनाया है? हाँ बिल्कुल, क्यों, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड कितना रिच है? अच्छा मैं भी बता दे कितना अमीर है तेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हें पता भी है मेरे बॉयफ्रेंड के घर के आगे ना ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद रहती है ना जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। अच्छा यार, इसने ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड बना लिया जिसके घर के आगे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह खड़ी रहती है? अरे जसमीत तुम यहाँ पे, मैं तुम्हारा इतनी देर से यार वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तू कौन है, इसको कैसे जानता है? अरे मैं तो इसको यार बहुत अच्छे से जानता हूँ, बाकी तुम लोग कौन हो? हम इसके फ्रेंड हैं, और जसमीत तुम्हारे ऐसे फ्रेंड जो रिक्शा चलाते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, वो रिक्शा मैं चलाता नहीं हूँ, वो रिक्शा मेरा खुद का है, कभी कभी चला लेता हूँ मैं। जसमीत तुम्हारा वो अमीर बॉयफ्रेंड कहाँ गया? अरे शायद वो बिजी होगा इसलिए उसने अपने नौकर को भिजवा दिया। अरे नहीं नहीं यार, मैं इसके बॉयफ्रेंड का नौकर होकर नहीं हूँ, मैं खुद इसका बॉयफ्रेंड हूँ यार। तू बॉयफ्रेंड है जसमीत का? जसमीत हमने क्या क्या नहीं सोचा था तेरे बारे में, और तूने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया? ये तो वही वाली बात हो गई, बोल बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे। जा बोली बीएमडब्ल्यू जा, चली जा अपनी बीएमडब्ल्यू पे। तुमने ना यार सारी मेरी बेइज्जती करा दी, चलो यहाँ से। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तिल्ली लगा दी अब आग लग जाएगी। तुम्हें उन लोगों को बताना जरूरी था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो फिर मैं क्या बोलता? फ्रेंड भी तो बोल सकते थे ना। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। काम वाम ढूंढने गए थे, कहीं काम मिला या नहीं मिला बेटे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटे? नहीं दादी कहीं पे काम नहीं मिला, बहुत जगह ढूंढा मैं काम पर कहीं काम वाम नहीं मिला। तो बेटा एक काम करो, तुम्हारे बाबूजी का रिक्शा खड़ा है, इसे ही चला ले बेटे, घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटे? ठीक है दादी मैं फिर रिक्शा ही चला लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, कुछ तो करो। ठीक है बेटे कुछ तो करो। सुंदरपुर जाना भाई। कहाँ साहब? सुंदरपुर। हाँ चलूंगा साहब, 100 रुपए लगेंगे। कोई नहीं, सब तो 1000 मांगते, तू 100 रुपए मांग रहा है। हाँ साहब मैं जायज पैसे मांगता हूँ, मैं ज्यादा पैसे लेके किसी से बेमानी नहीं करना चाहता। आइए चलिए बैठिए। ठीक। बैठ गए साहब? ठीक है। क्या हुआ साहब? बॉस ये पुलिस वाले हैं, कैसे करके सुन जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, देखते क्या होता है। हाँ भाई कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ मैं। सुना थे बाबूजी की तबीयत खराब है? हाँ थोड़ी उनकी तबीयत खराब चल रही है, जब भी रिक्शा मैं चला रहा हूँ उनका। चल ठीक है, ध्यान रखिए अपने बाबूजी का और अपना भी, चल जा। ठीक है साहब। जी साहब आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे वो सही लड़का है ये। आपको नहीं पता हीरो की चोरी हुई है? अरे तो कोई चोर रिक्शे पे थोड़ी जाएगा, इसके बाबूजी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बहुत सही लड़का है, इसलिए इसको जाने दिया। कोई नहीं, अब कोई भी गाड़ी आए तो ध्यान रखियो बिल्कुल, और रोके बिना उसकी चेकिंग हुई बिना उसको जाने मत दियो। ठीक है? हाँ ध्यान से। वो कहते हैं ना, जब हालात बुरे हो तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं देखता, बस जैसे मर्जी कर लेता है, और ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से कचरा तक उठा लेता है। ये लो साहब, आपको जहां आना था वहां पहुंच गए हम। ये कौन सी जगह है? हाँ जगह तो यही था।
साहब वो पैसा दे देते। ये लो भाई अपना किराया ले लो, चल आ जा भाई। अरे साहब ये तो 500 रुपए है। 100 रुपए तेरा किराया हुआ और तेरी ईमानदारी देख के मुझे अच्छी लगी, सारे पैसे तू रख ले बेटा। ठीक है साहब। हेलो। हाँ यार कल तो उसने ना हद ही कर दी, मेरी ना सबके सामने बेइज्जती कर दी यार, क्या बताऊँ मैं तुझे। सही कहा यार, कल ना उसने बहुत बेइज्जती कर दी तुम्हारी हमारे सामने। यार अब तुम भी मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज। तो ऐसे लड़के से प्यार ही क्यों करना जो ना तुम्हारी हर एक जगह बेइज्जती करे। इससे अच्छा तो मेरा जुनेद है, उसके पास सब कुछ है और वो तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। लेकिन यार क्या वो मान जाएगा। अरे क्यों नहीं मानेगा, एक बार कॉल तो लगा के देखो, शायद मान जाए। ठीक है मैं लगाती हूँ कॉल। अरे साहब आप। हाँ भाई। कहाँ जाओगे साहब आप आज। सूरजकुंड। सूरजकुंड चलना है। हाँ साहब 100 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं, चलिए आइए। बैठे साहब। हाँ अरे ये तो वही लड़का है जिसे साहब ने जाने दिया था, इसे क्यों रोक रहा हूँ। ठीक है आप जाओ। ठीक है साहब। आ जाओ भाई। साहब आज आप यहाँ पे उतरे, कल तो कहीं और उतरे थे। आज हमारे को यही काम है। साहब आज फिर दोबारा आप 500 रुपए दे रहे हो। ये तेरे लिए है। और एक बात बता, तू अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। अरे साहब बस मैं अपनी लाइफ में पैसे कमाना चाहता हूँ, क्योंकि पैसों से सारी चीजें खरीदी जा सकती है, दोस्ती, मोहब्बत, वफादारी, सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। चल ठीक है बेटा अपना ख्याल रखियो। ठीक है सर। अरे जसमीत यहाँ क्या कर रही है यार। हाँ ठीक है ओके। क्या हुआ। उन्होंने तो डायरेक्ट मुझे बोला है मिलने के लिए। सच में। हाँ तुम्हें काम करो जाओ। ठीक। अरे जसमीत तुम यार यहाँ पे और वो भी इसके साथ बैठी हुई हो, मैं तुम्हारे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा यार। तो मैं क्या करूँ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो। यार कल के लिए सॉरी यार जसमीत, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से यार रिक्शे से लेने आया मैं तुम्हारे को। यार तुम रिक्शे की बात ना करो ना तो ज्यादा बेटर है। यार ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम। यार मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ब्रेकअप। ये क्या बात हुई यार, इतनी सी बात है ब्रेकअप। यार बात इतनी नहीं है, एक तो तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है और तुम भी ऊपर से रिक्शा चलाते हो, तुम्हारा यही काम रह गया बस रिक्शा चलाने का। बॉस देखो एक लड़की से बात कर रही हूं। यार काम तो काम होता है यार, चाहे रिक्शा चलाओ या चाहे ऑफिस में काम कर लो। हाँ सही कहा तुमने, काम तो काम होता है। तो ऐसा करो तुम अपना काम करो और मुझे माफ करो, और ना मैं गरीबी में नहीं जी सकती एक रिक्शे वाले की बीवी बनकर, समझे। और तुम्हारा बाप तो रिक्शा चलाते चलाते एक दिन। सुनो बहुत हो गया तुम्हारा, चल अब निकल निकल। ओए तेरे को भी खुराक चाहिए क्या, निकल चल। यार क्या काम हो सकता है उसे मुझसे, क्यों बुलाया होगा उसने मुझे। चलो वही चल के देख लेते क्यों बुलाया। हेलो। हेलो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। आपको मिलवाना है किसी से। किससे है, कोई बड़े अच्छे और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। तो कहाँ है अभी तक, मिलवाओ ना। अरे ये लो, ये सर आ गए हमारे। जुनेद तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो और ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे। सर ये मेरी वाइफ है, आप तो इनको जानते ही हो। सर अपने यहाँ पे जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है वो मेरी वाइफ को दे दो।
चलो ठीक है। अरे राजा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुमने फिर भी मुझे जॉब पे रख लिया, और तुम इतने अमीर कैसे बने? तुम्हारे को जॉब पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि तुम रोज मेरे ऑफिस में आओगी और मेरे अंडर काम करोगी, और तुम मुझे रोज देखोगी, और फिर तुम अफसोस करोगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और रही बात मैं अमीर कैसे बना, तो यार ये पूछने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझ गई? एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई बन के रहना। राम राम। अबे ये क्या है? है क्या इसके अंदर? ओ तेरी वे हीरे, और ये यहाँ पे रख किसने दिए? अरे ये लिफाफा किसका है यार? मेरे अंदाज से तुम्हें हीरा मिल गया होगा, और ये हीरे तुम्हारी अच्छाई को देख के दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरा काम 2 दिन में खत्म हो गया। और लड़की जब तुम्हारे पापा की इंसल्ट कर रही थी, वैसे तुमने उसे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन हीरो से अपनी जरूरतें पूरी करना। सही हो, तुम्हारे को जॉब मिल गई। पता नहीं किस बेवकूफ से मैंने शादी कर ली, मैंने तो ना बोल के भी मुझे सब कुछ ही बोल दिया। सो हे गाइज, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरे अंदाजे से आपको अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना बेस्ट पार्ट बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी है। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।